जैसे ही पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड ने 3-0 से टेस्ट मैचेस में हराया, वो भी उन्हीं के घर पर, उसके बाद ऐसे लगा जैसे कि पाकिस्तान में एक कहते ना कि भूचाल सा मच गया हो, और अचानक ही जो उनके पीसीबी के चेयरमैन थे रमीज राजा, उनको सैक कर दिया गया। नजम सेठी नए पीसीबी के चेयरमैन बन गए। शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक जैसे प्लेयर जो है वो सिलेक्शन कमिटी में आ गए। लेकिन आपको बता दें कि रमीज राजा जब पीसीबी के चेयरमैन थे तब भी वो बहुत ज्यादा बोलते थे, और अभी वो कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी उनके पास में पद नहीं है, लेकिन अभी भी बोलने में वो बिल्कुल भी उसी तरीके से, उसी एटीट्यूड से बात करते हैं जैसे कि पहले क्या करते थे। और एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि मेरे टेन्योर में पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से काम करके दिखाया, यानी कि उनका कहना है कि 2021 में जो वर्ल्ड कप खेला गया वहां पर हम सेमीफाइनल में खेले और भारतीय टीम को हमने 10 विकेट से हराया, भारत से बेहतर परफॉर्मेंस हमने किया, जबकि टीम इंडिया जिनके पास में कि $1 मिलियन इंडियन प्रीमियर लीग है, वो टीम जो है वो पहली राउंड में बाहर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब एशिया कप भारतीय टीम खेलने के लिए आई वहां पर भी हमने भारतीय टीम को हराया, और उसके बाद से आप देखें तो किस तरीके से जो हमारी टीम है वो फाइनल तक पहुंच गई। 2022 में भी हम वर्ल्ड कप के फाइनल तक खेले, यानी कि रमीज राजा कह रहे हैं कि हमारी टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नीचे गिर गया, और ये चीजें भारतीय टीम को हजम नहीं हुई, जिसकी वजह से बीसीसीआई को किसी भी हाल में अपने कप्तान को बदलना पड़ा, अपने चयनकर्ताओं को फायर करना पड़ा। ये रमीज राजा का कहना है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से ये सारी उथल पुथल भारतीय क्रिकेट में मची है, क्योंकि मेरे टेन्योर में पाकिस्तान की टीम ने गजब का परफॉर्मेंस करके दिखाया। हालांकि वो भूल गए कि अभी अभी इंग्लैंड की टीम ने उनको 3-0 से हराया और जिसकी वजह से उनको सैक करना पड़ा। मतलब ये रमीज राजा का बयान है, वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई, उनकी वजह से चेतन शर्मा जी जो है उनको सैक कर दिया गया चयन समिति से। ये रमीज राजा का बयान है, क्या आप भी इनके बयान से 1% भी सहमत है? अगर है तो जरूर कमेंट करके दिखेगा। ये बात तो हम भी मानते हैं कि हमारी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान से हम हारे या इस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ उसकी वजह से ये एक्शन लिया गया, ये एक्शन लेना ही था? इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजिएगा।